आज हम बात करेंगे ऑन द मोस्ट नॉइजी प्लेयर राइट नाउ इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड द वर्ल्ड कप्स इज नो फर्नडेस एनजो फर्नान्डेस इक्कीस साल का लड़का है जो अर्जेंटीना और मेनफिका के लिए मिडफील्ड में खेलता है पर सीजन स्टार्ट होने से पहले सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड थी Enzo को साइन करने में सो वॉट नाउ एनजो फर्नान्डेस वॉज ऑलवेज द प्लेयर दैट ही इज राइट नाउ बट जो चीज समर विंडो में कॉमन नहीं था वो था उसका प्राइस टैग द प्राइस टैग जो इस समर विंडो में था वो था अठारह मिलियन यूरोज प्लस द दर्डॉन्स बहुत ही क्रेजी चीज है ये तो बेनफिका ने यही अपॉर्चुनिटी देखकर स्मार्टली रिएक्ट किया और एनजो फर्नांडिस को साइन किया इस वर्ल्ड कप में फर्नांडिस वाज द की मैन थ्रू आउट अर्जेंटाइन टीम इन दिस टूर्नामेंट पर जो चीज सबसे हटके आती है वो है इसके फाइनल मैच में स्टार्ट काफी इंप्रेसिव चीज है ये एनजो फर्नांडिस ने टोटल एक सौ अठारह टी से उस पिच कि पे किसी भी प्लेयर से सबसे ज्यादा थी पर जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है वो है उसके टेन टैकल्स जो 2006 वर्ल्ड कप फाइनल जेनारो गटूसो के बाद फाइनली एक प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप फाइनल्स में टेन टैकल्स उससे ऊपर जनरेट किया है, so है इसलिए उसके पीछे इतने सारे क्लब्स लगी हुई है बिकॉज द बॉय हैज प्लेड एट दाइस्ट लेवल ओनली एट द एज ऑफ ट्वेंटी ट्रांसफर ऑफ एनजो इज क्रेजी एनजो फर्नांडिस का रिलीज क्रॉस बेनफिका ने प्लेस किया था हंड्रेड एंड फाइव मिलियन पाउंड बट क्लब्स आर रेडी टू गो बियॉन्ड दैट टू सील हिम एज देयर प्लेयर लेकिन इस वक्त जो टीम ट्रांसफर में सबसे आगे है फॉर एनजो फर्नांडिस दैट आर ओनली टू क्लब्स मैनचेस्टर मैच एंड लिवरपूल लेकिन यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो रहा है वो है पैसों का सीन अब पैसों का सीन ये है कि मैनचेस्टर मैं अपना क्लब सेल कर रही है अंडर द ग्लेजर्स एंड ग्लेजर्स का एक ही उसूल है कि उनको एक भी रुपये जेब से निकालना नहीं है एंड फॉर लिवरपूल उनके लिस्ट में है जूट बेलिंगम तो इतना बड़ा साइनिंग उन्होंने पहले एम करके रखा जिसके लिए ऑलमोस्ट हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन उनको देना पड़ेगा सो टू सो टू गो बियॉन्ड हंड्रेड एंड टेन मिलियन भाई बहुत बड़ी चीज़ है फॉर एनजो फर्नान्डिस सो रूमर्स है दीज टू क्लब्स वुड लव टू वेट एंडल समर टू साइन एनजो बट इन माई ओपिनियन इट विल बी टू लेट मीन वाइल ट्वेंटीबर को एक न्यूज आई कि चेलसी आर विलिंग टू ट्रिगर द रिलीज क्रॉज ऑफ एनजो ट हिम इन दिन विल बी अमार्ट मूव क्योंकि कॉम्पिटिशन विंटर में लो है चलो भाई ये तो हो गया प्रीमियर लीग क्लब्स के बारे में बट टॉकिंग अबाउट रियाल मड्रिड रियाल मड्रिड जेनुनली इस प्लेयर में इंटरेस्टेड है बट उनके ओपिनियन एकदम स्ट्रेट है कि वो सौ मिलियन जैसा अमाउंट बजट नहीं खर्च करेंगे इस पर ऑब्वियसली उनके पास काफी प्लेयर्स है एक्सप्लोर करने को और उन्होंने अभी अभी एंड्रिक बंदा भी साइन किया फ्रॉम द ब्राजील तो उनके ऑलरेडी बजट हिले हुए एंड फॉर पी एस जी भाई पी एस जी का भी वही चीज़ है उनको पसंद आ रहा है बट उनके तरफ से कोई फर्स्ट क्रिएट नहीं हो रहा है ना ही उनके तरफ से कोई गॉसिप्स आ रहे हैं बट यू नेवर नो कब वो रिलीज क्लॉस के ऊपर जंप मारे और कब अपने जेब में डाल रहे उस प्लेयर को पी एस जी तो भाई माला माल टीम है यू नेवर नो वॉट वॉट गकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूमर्स जेलसी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में लग रही है रियल बादशाह वेट एंड सी यार आप लोग भी नीचे कमेंट्स में बता दो कि आप लोग क्या सोच चुके एनजो फर्नांडेज़ के डील के बारे में भाई हमें तो लग रहा है कि कोई भी क्लब स्ट्रॉग पोजिशन पर नहीं है इस वक्त साइन करने को पर्सनली वी बोथ फील बट अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार चैनल को बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते सो so, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे बाय बाय